घर से निकले हैं तो जहर खुरानों से बच कर रहे। शहर में इधर उधर जहर खुरान गिरोह ने अपना जाल फैला रखा है। ये हर दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और लोगों की सतर्कता भी काम नहीं आती। वहीं नशीली चाय और अंडा खिलाकर जहर खुरानी के बदमाशों ने लखनऊ से घर लौट रहे घोड़ा बुग्गी चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके पास से उसका मोबाइल लूट कर ले गए। युवक बेहोशी की हालत में पागबाड़ा थाना क्षेत्र दिल्ली हाईवे स्टेट बैंक के पास पहुंचा। क्षेत्र के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को बेहोशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। संबल जनपद के कुंट फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रीट का रहने वाला रामू पुत्र मुन्ना भारती लखनऊ में घोड़ा बग्घी चलाने का काम करता है। वो बस द्वारा घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि बस में जहर खुरानी के बदमाशों ने युवक रामू को नशीली चाय और अंडा खिला दिया और उसे बेहोश कर दिया। उसके पास से उसका मोबाइल लूट लिया गया। युवक शनिवार की सुबह पागबाड़ा थाना क्षेत्र दिल्ली हाईवे पर स्टेट बैंक के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो बस पे आ रहे, बस सरकारी थी प्राइवेट थी? सरकारी थी। नंबर याद है बस का? ना। और कुछ? और कुछ नहीं। लखनऊ में रहते हो? नहीं, लखनऊ से तो बस्ती से आ रहे हैं। और रहने वाले कहाँ के हो? चंदौसी के? बस से आ रहे थे, बस से। वहीं देखना ये होगा कि क्या पुलिस जहर खुरान गिरोह को पकड़ने में कामयाब हो पाती है।